हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बना रहे हैं चाइनीज़ पकोड़ा। जी हाँ, आज हम चाइनीज़ पकोड़ा बना रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे हमारे पकोड़े और बहुत ही टेस्टी भी बनेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, पहले भी हमने बनाए थे मगर इस बार थोड़ा अलग होगा। चटनी भी हमने बनाए हैं, कल हमने चटनी डाले थे, आपने ज़रूर देखा होगा, तो वही चटनी हमने आज इस्तेमाल किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ही इजी रेसिपी है, तो सीखेंगे ना आप, तो आइए। हमने यहाँ पर एक कढ़ाई लिए हैं जिसमें हम पकोड़े का पेस्ट तैयार करेंगे, आसानी से झटपट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने गोभी लिए हैं, ये आधा किलो है यानी 500 ग्राम है। हमने इसे छोटा छोटा बारीक कट किए हैं, देखिए। अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच भर के सेजवान चटनी। जी हाँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, हमने एक चम्मच डाली है। अब हम यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल रहे हैं एक चम्मच, और नमक डालेंगे अपने हिसाब से, एक चम्मच लिए हमने, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। एक चम्मच भर के धनिया पाउडर लिए हैं, और प्याज लिए हैं हमने एक बड़ा, उसे बारीक कट किए हैं, ये भी डालेंगे इसमें। और मैंने यहाँ पे गरम मसाला ली हो एक चम्मच, रेड चिल्ली फ्लेक्स मिला रहे हैं हम एक चम्मच, और एक चम्मच हम डालेंगे लाल मिर्ची पाउडर, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। और यहाँ पर हम डाल रहे हैं एक चम्मच सोया सॉस और एक चम्मच रेड चिल्ली सॉस, और विनीगर डाल रहे हैं आधा चम्मच। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर रहे हैं। देखिए गोभी में ये तमाम चीज़ें मिक्स करने में थोड़ा वक्त लगेगा मगर हो जाएगा झटपट। देखिए गोभी का कलर चेंज हो रहा है, और जैसे ही मसाले गोभी को छू रहे हैं, गोभी कम होती जा रही है यानी दबती जा रही है। देखिए अब पतीली भरी हुई थी, अब आधी हो गई है। हमने अच्छी तरह मसाले गोभी में लगा दिए हैं। अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं चार चम्मच भर के कॉर्नफ्लोर। जी हाँ, चार चम्मच ही डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे वरना बहुत ही कड़क हो जाएंगे। और यहाँ पे मैदे का आटा हमने लिए है 250 ग्राम, हम आधा आधा करके मिक्स कर रहे हैं, पूरा आटा एक साथ नहीं डालेंगे। देखिए पतीली भर गई है, अब हमें मिक्स करना है आसानी से, बहुत ही संभाल संभाल के कर रहे हैं। पानी का इस्तेमाल अभी नहीं करेंगे, पानी का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे, पहले अच्छी तरह हम आटे को गोभी और तमाम मसाले में एक कर देंगे। देखिए अब जो बचा हुआ आटा है मैं वो भी ले रही हूँ, पूरा 250 ग्राम आटा मैदे का हमने ले लिए है। आप देखिए इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे इसमें, और मिक्स करते करते हम पतीली को घुमाते जा रहे हैं ताकि हर तरफ से अच्छी तरह हमारे आटा और गोभी मिक्स हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे क्वार्टर स्पून रेड फूड कलर, जी हाँ ये चाइनीज़ कलर है। अब हम पानी डालना शुरू कर दिए हैं, देखिए कांच के ग्लास में मैंने पानी लिया हूँ, आधा ग्लास पानी हमने पहले डाले हैं, थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे, एक साथ पूरा पानी नहीं मिलाएंगे। जहाँ पे देखिए छोटा ग्लास है, ज़्यादा बड़ा ग्लास नहीं है, चाय वाला ग्लास है, तो मैं ये दो ग्लास यूज़ करूँगी। और अब हमने एक ग्लास पानी पूरा इस्तेमाल किए है, आप देख सकते हो कि आधा बेस्ट तैयार हो रहा है, अब आधा सूखा है तो हमें और पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आगे और भी पानी डालूँगी। देखिए हमने और एक गिलास भर के पानी लिए हैं, वो भी डालेंगे। पेस्ट पतला नहीं होना चाहिए और ना ही ज़्यादा सूखा रहना चाहिए, तमाम गोभी और आटा एक हो जाना चाहिए और पेस्ट दिखना चाहिए कि पकोड़े के लिए रेडी है, वो तो आप जानते ही हो। हम इसलिए थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हैं, अगर हम एक साथ ज़्यादा पानी डालेंगे तो पतला भी हो सकता है, फिर हमारे पकोड़े अच्छे नहीं बनेंगे।
क्रंची और टेस्टी पकोड़े बनाने के लिए हमें पेस्ट मीडियम रखना है, यानी पतला नहीं करना है इसे। देखिए अब लगभग हो ही रहा है, थोड़ा सा पानी और डाल दिया मैंने और इसे अच्छी तरह मिक्स करते जा रहे हैं हम। देखिए आप, हमारा पेस्ट रेडी हो गया है, पतला बिल्कुल नहीं है, मस्त अच्छा गुना हुआ है जिस तरह हम आटा मलते हैं, लेकिन ये कड़क आटा नहीं नरम आटा मले है, इस तरह हो गया है। हमें पकोड़े हाथ से बना के डालने हैं। देखिए मैं चम्मच से और एक मरतबा अच्छी तरह हिला रही हूँ, हमारा बैटर रेडी हो गया है। अब हमने तेल रखे है गर्म होने के लिए, उसे फास्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम एक टेस्ट कर रहे हैं कि तेल गर्म है या नहीं। तेल हल्का गर्म है फास्ट होने के लिए और वक्त लगेगा। देखिए 5 मिनट होने को आए हैं। मैं दिखा रही हूँ आपको पकोड़े किस तरह बनाते हैं। हमने एक लड्डू की तरह छोटा पकोड़ा बनाए हैं, बिल्कुल इसी तरह हम बैटर को लेके हाथों से गोल गोल करके डालते रहेंगे। छोटे छोटे डालेंगे, ये बड़े बड़े नहीं डालेंगे, क्योंकि हम दुकान पे भी चाइनीज़ पकोड़ा खाते हैं तो छोटे छोटे होते हैं और गोल गोल होते हैं, इसलिए हमने बैटर ऐसा बनाया है ठीक वाला। पतला बनाते थे तो इस तरह हम हाथ से बना नहीं पाते थे, तो आप भी बिल्कुल इसी तरह बैटर बनाइए। और देखिए एक के बाद एक मैं पकोड़े डालते जा रही हूँ, जितनी हमारे फ्राई पैन में जगह है हम उतना डालेंगे। देखिए कंटिन्यू डालते जा रही हूँ और तेल गर्म हो गया है अच्छा, तो झटपट हमारे पकोड़े फ्राई हो जाएंगे। देखिए अब मैं चम्मच से इसे पलट रही हूँ, 2 मिनट होने को आए हैं और उस तरफ से अच्छी तरह लाल हो गए हैं हमारे पकोड़े और कड़क हो रहे हैं। तो अब हम तमाम पलटेंगे पकोड़े। और प्लीज़ दोस्तों आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मैं आपके लिए अलग अलग पकवान बना रही हूँ, यानी अलग अलग डिशेस बनाते जा रही हूँ, उम्मीद है आपको पसंद आएंगे। और मैं ज़्यादातर खाना ही बनाती हूँ, जो हम घर में खाते हैं बिल्कुल वही मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि मेन तो वही है। बाहर की चीज़ें और नाश्ते तो हम बहुत कम करते हैं, मगर खाना तो हमको सबको बनाना ही पड़ता है हमेशा। तो इसके लिए देखिए हमने तमाम पकौड़े को पलट दिए है, अब इस तरफ से फ्राई हो रहे हैं, गैस का फ्लेम फास्ट है कंटिन्यू, और 5 मिनट होने को आए हैं। अब हम इसे चम्मच की मदद से यहाँ से भी पलटेंगे, बड़ा वाला चम्मच ली हूँ मैंने। एक साथ चार चार पलटते जा रहे हैं हम, यानी ज़्यादा ज़्यादा पलट रहे हैं। आप देख सकते हैं पकौड़े का कलर चेंज हो रहा है, यानी अभी रेड कलर के हो रहे हैं। जब अच्छी तरह हमारे पकौड़े तैयार हो जाएंगे तो आपको कलर पूरा दिखाई देगा। अब ये दूसरी तरफ से थोड़े नरम है, इसके लिए आपको कलर मालूम नहीं पड़ रहा है। पकौड़े बनाने का भी एक तरीका होता है, जब तक हमें पकौड़े महसूस नहीं होते कि अच्छी तरह कड़क हो गए हैं, हम उसे अच्छी तरह फ्राई करेंगे। गोभी के पकौड़े तलने में वक्त लगता है, इसके लिए हम फास्ट फ्लेम पे काम करते हैं। और देखिए 5 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं, यानी पहले 2 मिनट फिर 5 मिनट और अभी और 2 मिनट, यानी 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसे और पलटेंगे। देखिए अब हमारे पकौड़े अच्छी तरह फ्राई हो गए हैं, पूरे 10 मिनट हो गए हैं और आप देख सकते हो पकौड़े क्रंची लग रहे हैं। मैं देखिए छन्नी में निकाल रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको आवाज़ सुनाना चाहती थी मगर बहुत आवाज़ थी बाहर, तो मैं आपको आवाज़ नहीं सुना पाई। तो हमारा एक राउंड पूरा हो गया है, इसी तरह हम दूसरा राउंड भी तैयार करेंगे। देखिए बिल्कुल दुकान वालों की तरह बने हैं या नहीं, बहुत ही ईजी रेसिपी है, बस अच्छी तरह हमें बैटर रेडी करना है। मैंने जो तरीका बताई हो उसी तरह आप बैटर रेडी कीजिए, दूसरा राउंड भी हम इसी तरह फ्राई करेंगे। तो अब हमारे चाइनीज़ पकोड़े खाने के लिए तैयार है, तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत झटपट बन के तैयार हो गए हैं और बहुत ही प्यारा कलर आया है।
और सेजवान चटनी तो है ही साथ में खाने के लिए, इसका मज़ा बढ़ाने। तो आइए, मेरा बेटा आपको टेस्ट करा रहा है। देखिए, पकोड़े अंदर से अच्छी तरह पक गए हैं, बिल्कुल कच्चे नहीं हैं। अब आपको चटनी में डुबा के खिला रहा है। तो आइए, इधर 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 मुँह खोलिए, हाँ मुँह खोलिए, टेस्टी है ना चटनी, तीखी है। तो कैसे लगे आपको पकोड़े, अच्छे लगे? तो आप कब ट्राई कर रहे हो? उम्मीद है आपको मेरा चाइनीज़ पकोड़ा बनाने का तरीका पसंद आया है। तो आप झटपट बनाएंगे और अपने बच्चों को और अपने घर वालों को खिलाइए, 31st आ रहा है। तो घर में ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें बना के हम घर में खिला रहे हैं अपने बच्चों को, आप भी खिलाइए। तो उम्मीद है आप ज़रूर झटपट ट्राई करेंगे, और अगर आपको मेरा पकौड़े बनाने का तरीका पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। ठीक है, शुक्रिया, खुदा हाफिज़, फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।